हेलो फ्रेंड फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में फिर से एक बार। मैं सुमन सिस्टर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवा केयर सिरप। जी हाँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है ईवा केयर सिरप। और ईवा केयर सिरप के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जिन भी महिलाओं को, जिन भी स्त्रियों को और जिन भी लड़कियों को पीरियड्स कम आते हैं, इरेगुलर आते हैं, वो पीरियड्स जिनको 1 से 2 दिन ही रहता है, वो भी बहुत ही कम फ्लो होता है ब्लीडिंग का जिनको, उनके लिए ये सिरप बहुत ही फायदेमंद रहेगी। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें तो आपको वीडियो आप अच्छे से समझ सकते हैं। दवाई को लेने का तरीका क्या है, आपको दवाई कैसे लेनी है, कितने टाइम लेनी है, दवाई के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इनके लिए हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम कि ये जो सिरप है टोटल यहाँ पे आती है 200 ml की। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बोतल जो है आधी है, क्योंकि इस बोतल को, इस सिरप को हम यूज़ करते हैं और इसे यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा है। यानी कि 1 या 2 दिन ही मुझे ब्लीडिंग होती थी और वो भी बहुत कम फ्लो होता था ब्लीडिंग का, और पेट में हमेशा दर्द बना रहता था। तब से मैंने ये सिरप पिया है, तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम है, ब्लीडिंग का फ्लो भी है वो बहुत अच्छे से होता है और पीरियड्स भी मेरे रेगुलर आते हैं। यहाँ पे ये सिरप जो है हिमालय की ईवा केयर सिरप है और ये पूरी तरह से आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि आयुर्वेदिक है तो ये नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पे हम बता दें कि ये जो सिरप है ये मैं यूज़ करती हूँ, ये मुझे किसी डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट ने लिखा है और इससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो काफ़ी 2 दिन तक बढ़िया रहता है और काफ़ी अच्छे से मुझे ब्लीडिंग होके पीरियड्स आते हैं। यहाँ पे इसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP रेट है टोटल 150 रुपये। ज़्यादा ही महंगी भी नहीं है, आप इसे इजीली आराम से ख़रीद सकते हैं। और मैं आपको इतना बता देती हूँ कि इस सिरप को ख़रीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी मेडिकल जनरल स्टोर पे ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगी और आप किसी भी तरह इसको ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, ये जो सिरप है 200 ml की है, हिमालय कंपनी की है और साथ ही ये जो रेट है इसका बहुत ही कम है प्राइस। यहाँ पे आप जब भी कोई मेडिसिन यूज़ में लेते हैं या मेडिकल से ख़रीदते हैं तो प्लीज़ आप उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर जाँच लें, बिना एक्सपायरी डेट के आप कभी भी मेडिसिन ना लें और इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ये सिरप है इसको हम लेने का तरीका बता रहे हैं आपको, आपको इसको लेना है 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद। अगर आपको सिरप लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। 2 चम्मच सिरप सुबह लेनी है, 2 चम्मच सिरप शाम को लेनी है। पीने में थोड़ा सा इसका स्वाद जो है काफ़ी मीठा होता है, चिपचिपा होता है, तो अगर आपको इसका स्वाद अच्छा ना लगे तो आप इसके ऊपर पानी भी पी सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और वैसे भी ये आयुर्वेदिक सिरप है तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पर इस सिरप का यूज़ करें, आपको इससे फ़ायदे होते हैं। बात करते हैं इस सिरप के फ़ायदे, इस सिरप के फ़ायदे हैं अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की आपकी मात्रा ज़्यादा हो गई है, आपकी एज ज़्यादा है या फिर खाने के अंदर पीने के अंदर आपने कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप ठीक से डाइट नहीं ले पा रहे हैं, नींद आपको अच्छे से नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस है या फिर आप किसी छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो कुछ 2-4 कारण होते हैं जिनकी वजह से जो है हमारा ब्लीडिंग का फ्लो वो कम होता है। बट ये सिरप बिल्कुल नॉर्मल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये जो सिरप है, इस सिरप को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। तो अगर आपको किसी भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम से ब्लीडिंग फ्लो कम आता है, चाहे मेडिकेशन हो, जेनेटिक हो या फिर हार्मोन प्रॉब्लम हो या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंबैलेंस होना हो, तो ऐसे में ये जो सिरप है आप ले सकते हैं। ये सभी में काम करती है और ये दिमाग के स्ट्रेस को भी कम करती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सिरप को लेने के साथ साथ आपको ये भी करना है कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो।